14 मई और घर के नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट, बाइक होगी वो खड़ी नीचे, और नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट है रांची। तो अभी चलते हैं रांची। ये 3 लोग आगे, टोटल हैं 4 लोग। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, छोटा सा, और आप पहुंचते हैं फिर सुंदर सी जगह रांची। 200 मीटर की दूरी क्रॉस करने के बाद ये आता है सुंदर सा, यार इसको लोकल में तो बौजू कहते हैं, तो पता नहीं हिंदी में कहते क्या इस चीज को। ये है लहलाते हुए एक घास, क्या सुंदर सा व्यू है। ये गांव का पानी का स्टोरेज जो यहां से होके गांव तक पहुंचता है। पहुंच गए हैं मिनी बुग्याल में, घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, और मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर ऊपर रह गया है लास्ट टॉप। वहां से व्यू आएगा NH 58 जो कि जोड़ता है बद्रीनाथ, माणा वैली, नीति वैली और इधर से कुमाऊं रीजन को। तो आजकल वैसे भी लॉकडाउन है, गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर। पिछले 4-5 दिनों से रेगुलर बारिश हो रही है शाम के टाइम, और आज मौसम बहुत खुला हुआ था, सोचा कि चलें, बट फिर से वही मौसम हो गया पैक। वो सामने हिमालय बेल्ट जो कि बादल लगे हैं, और इधर यह है चौखंबा पीक, ये सामने बादलों के पीछे। हाँ और इधर केदारनाथ वैली है, वो बारिश आ रही है उधर से, और ये चल रहा हम लोग अभी, ये साइड धूप है तो चलते हैं। ये सबसे नियरेस्ट और पीसफुल पैलेस है अपने गांव से, जो हमारे सबसे नज़दीक है। और एक दिन हमने यहाँ पे रात को आके कैंपिंग किया था, उसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है, कैंपिंग का नाइट कैंपिंग हुआ था उस दिन। और आज फिर से इसके बीच में हम काफ़ी दिन आ चुके हैं यहाँ पे। इट्स रियली सो ब्यूटीफुल, कलरफुल। ये है नीचे NH 58, सुंदर सा नजारा। ये रोड जा रहा है नीचे अपना, जो राइट जा रहा है मेरे, वो जा रहा है रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, राइट बोले तो ये, और ये ऊपर को जा रहा है नीति, माणा, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, और इधर से कुमाऊं रीजन को चला जाएगा, ग्वालन, थराली, गैरसैंण होते हुए चौकुटिया, अपना रामनगर निकलते हुए अपना पहुंच जाएगा यूपी बॉर्डर, रामपुर की साइड। और ये है सुंदर सा व्यू यहाँ का।
मौसम बिल्कुल पैक्ड हो गया है। केदारनाथ वैली साइड, इस साइड खुला हुआ है थोड़ा, और ये सामने है अलकनंदा नदी, ये नदी नज़र आ रही है, और वैसे नीचे भी है ये। इस जगह की खासियत है, यहाँ से पूरा अपना गौचर, ये हवाई पट्टी है जो नज़र आ रही है, लगभग इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। नीचे जो ये काम चल रहा है, ये है रेलवे का काम चल रहा है, जो कि ऋषिकेश से और सेकंड लास्ट स्टॉप है कर्णप्रयाग से पहले का। ये जगह है गौचर, और इससे 7 किलोमीटर आगे है कर्णप्रयाग। ये इधर से आके अपना घुलतीर नगरासू ये रहा, घोलती रही रहा। तो ये पूरी बेल्ट है इधर से चलते हुए, और ये चले गए रुद्रप्रयाग, आगे श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश वाली बेल्ट। और इधर इस साइड चले जाते हैं तो इधर पहुंचते हैं, ये हिमालय बेल्ट जो नज़र आ रही है, बंद महेश्वर, इधर से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, अब उसके बाद आप पहुँच जाओगे केदारनाथ वैली इधर पूरा। तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, और ये है व्यू।